पर्वत सर से। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक पर्वत सर द्वारा पुलिस कांस्टेबल व जब्ते पर गोली चलाने व गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने पर अभियुक्त विजेंद्र सिंह इंद्राली व शंकर सिंह लिचाना को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 17,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनवाई गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालाकार ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 17 गवाहों को परीक्षित कराया तथा 34 दस्तावेज व 19 आर्टिकल को प्रदर्शित कराया गया था। यह एक मामला दिनांक 30/3/2014 का माफिक इंतला सफेद रंग की संदिग्ध स्कॉर्पियो की नाकेबंदी हेतु पुलिस थाना कुचामन सिटी के हेड कांस्टेबल रामस्वरूप शिवलाल बालूराम चंद्र शेखर में सरकारी वाहन चालक रफीक खान रात्रि 10:30 रवाना होकर चितावा रोड सरहद दीपपुरा पहुंच नाकाबंदी शुरू की। रात्रि करीब 11:30 बजे एक गाड़ी आती की लाइट दिखाई दी, जिस पर जब्ते ने गाड़ी रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोकी, जो गाड़ी माफिक इतला में बताई हुई स्कॉर्पियो सफेद रंग की होने से कांस्टेबल बालूराम गाड़ी के पास जाने लगा तो स्कॉर्पियो के कंडक्टर के साथ साइड में बैठे व्यक्ति विजेंद्र सिंह ने कट्टे से बालूराम व जब्ते को जान से मारने की नियत से 3 फायर किए तथा गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फायर से कांस्टेबल बालूराम के हाथ व पैर पर गंभीर चोटें लगी, जिस पर हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कुचामन सिटी द्वारा अभियुक्त शंकर सिंह व विजेंद्र सिंह इडाली को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पुलिस जब्ते का जानलेवा हमला करने, राजकीय में बाधा पहुंचाने व आर्म एक्ट की चार्जशीट दाखिल की। ये घटना दिनांक 30/3/2014 की है। पुलिस थाने कुचामन में मुखबिर की सूचना से उनको सूचना मिली कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध गाड़ी दीपुरा की ओर से आएगी आ रही है, तो इस पर पुलिस जाब्ता हेड कांस्टेबल रामस्वरूप